आगरा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जूता कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, छापेमारी में अब तक 100 करोड़ कैश बरामद हुआ है, करोड़ों की डायमंड घड़ियां, लग्जरी कारें भी बरामद। तो करीब 100 करोड़ की पकड़ी गई कर चोरी, जिसके बाद लगातार कार्रवाई यहां पर आईटी की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जूता कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड, और इस रेड में 100 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। तो अब तक करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की डायमंड घड़िया, लग्जरी कारें इस रेड के दौरान बरामद हुई है। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों को भी खंगाला गया है। करीब 100 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद अब ये करोड़ों की संपत्ति को आईटी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। ये तस्वीर आपको बता दें, जूता कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर ये रेड यहां पर की गई है। तो अकूत संपत्ति का मालिक है जूता कारोबारी, जिसके भनक आईटी को लगी, और जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ की कर चोरी का ये पूरा मामला है, जिसके बाद अब आईटी पूरी तरीके से सख्त है। जूता कारोबारी के अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड है, और छापेमारी में अब तक 100 करोड़ की संपत्ति को यहां पर जब्त किया गया है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 100 करोड़ कैश मौके से बरामद हुआ है। तो करोड़ों के डायमंड घड़िया, लग्जरी कारें भी बरामद। करीब 100 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई आईटी की यहां पर देखने को मिली है। तो आला अधिकारियों की टीम जो है वो जूता कारोबारी से पूछताछ में भी जुटी है। तो कर चोरी का ये पूरा मामला है, 100 करोड़ का टैक्स यहां पर उसमें घपलाबाजी की गई थी, जिसके बाद अब आईटी ने ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया है जूता कारोबारी के खिलाफ। संवाददाता शिव चौहान हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ गए हैं। शिव, क्या अपडेट है सबसे पहले इस पूरे मामले में बताएं। देखिए, आयकर विभाग की आगरा शहर में 60 घंटे का समय पूरा होने जा रहा है, अब तक कार्रवाई जारी है और उम्मीद है कि आज दोपहर तक ये कार्रवाई पूरी होगी। आगरा शहर के लिए सबसे बड़ी आयकर चोरी अब तक पकड़ी गई है, जिसमें से 60 करोड़ से अधिक की नकदी बैंक में जमा कराई जा चुकी है, लेकिन 100 करोड़ रुपए का अब तक टैक्स चोरी। ये तीनों जो सूफर में उन पर बताया जा रहा है टैक्स चोरी की गई है, जिसमें से हर मिलाप ट्रेडर्स रामनाथ गंग, जिसके मालिक हैं, वो कुछ समय पहले तक एक आटा चक्की चलाया करते थे, लेकिन आगरा शहर में आज वो पर्ची किंग के नाम से जाने जा रहे हैं। एक छोटी सी पर्ची लिख कर दे दिया जाती थी और आगरा शहर में किसी भी बड़े व्यापारी की जहां 1-2% काटने के बाद वो पैसा उन्हें मिल जाया करता था, तो तमाम कई करोड़ रुपए की वो पर्ची भी आयकर विभाग को मिली है। और दूसरी मंसू फुटवियर और बी के सूज पर भी कार्रवाई ये 60 घंटे का लगभग पूरा होने वाला है, उनके यहाँ से भी करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। हालांकि जो कार्रवाई है वो तकरीबन 100 से अधिक जो कर्मचारी हैं आयकर विभाग के, वो इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, आज दोपहर तक ये आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, जूता कारोबारियों की इस अकूत संपत्ति को गिन पाना देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती। तो अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या इसके अलावा और अहम खुलासे होने की उम्मीद, और क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? देखिए, अभी तक दोपहर तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, दोपहर के बाद खत्म होने की आशंका है कि दोपहर के बाद ये कार्रवाई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं उनसे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस जद में और कारोबारी या व्यापारी भी आ सकते हैं। इससे आयकर विभाग की जो छापेमार कार्रवाई हो रही है उससे हड़कंप मचा हुआ है आगरा शहर में, क्योंकि लगातार ये बड़े व्यापारी थे आगरा शहर के, और जो दस्तावेज जैसे जमीन निवेश में इन्होंने पैसा लगाया या सोने निवेश में पैसा लगाया उसके दस्तावेज मिले, लेकिन जो पर्ची चलती थी पर्ची पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता उस जद में तमाम व्यापारी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आयकर विभाग की बात जीएसटी एसजीएस की टीम भी सक्रिय हो गई है और वो भी छापेमार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, इस कार्रवाई को लेकर नजर बनाए रखिएगा शिव, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो तीसरे दिन भी आईटी की रेड जो है जूता कारोबारी के खिलाफ लगातार जारी, और माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली जाएगी।